स्टूडेंट्स, आपके बुक में हम 3.3 में पहुंच चुके हैं। 3.2 और 3.1 आप ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। ये मेथड भी आप कंप्लीट कर चुके हैं, फिर भी मैं इस एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस हैं उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बता रहा हूं। इसमें लिखा हुआ है स्क्वायर रूट बाय रिपीटिंग सबट्रैक्शन, एंड हमें ये भी पता चलेगा कि फैक्टराइजेशन से हम स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे। सबसे पहले मैं आपको रिपीटेड सबट्रैक्शन या सक्सेसिव सबट्रैक्शन मेथड बताता हूँ, ये कैसे करेंगे हम। जैसे हमें इसका 81 का स्क्वायर रूट निकालना है, ओके। तो आप क्या करेंगे, कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर्स माइनस करेंगे जब तक कि 81 जीरो ना बन जाए। और हम इसका जो भी ये जो दोनों मेथड्स हैं, रिपीटेड सबट्रैक्शन या सक्सेसिव सबट्रैक्शन मेथड और फैक्टराइजेशन मेथड से उन्हीं नंबर का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं जो कि परफेक्ट स्क्वायर होंगे। तो यहाँ लिखा हुआ है 81, तो फर्स्ट अब चलिए अपने काम करते हैं। तो पहला ऑड नंबर है 1, तो माइनस किया कितना आ गया 80, ओके। अब दूसरा जो ऑड नंबर है 80 में हम क्या माइनस करें, 3 माइनस करेंगे क्या आ जाएगा 77। फिर अब 77 में थर्ड ऑड नंबर में 5 में माइनस करना होगा क्या आ जाएगा 72। और फिर 72 में माइनस करेंगे नेक्स्ट ऑड नंबर 7, इसमें से क्या बन जाएगा 65। और 65 में फिर हमें 9 माइनस करना होगा तो ये बन जाएगा 56। फिर 56 में हमें 11 माइनस करना होगा तो ये बन जाएगा 45। एंड कॉन्टिन्यूस हम ऑड नंबर्स माइनस करते जाएंगे। 56 45 के बाद 45 में हम 13 माइनस करेंगे तो अपने को क्या मिलेगा, 5 में 3 माइनस किया 2 और 32 आ जाएगा। फिर 32 में अपन हम 15 माइनस करने पर हमें क्या मिलेगा, तो हम माइनस कर लेते हैं, यहाँ पर आ जाएगा 17। और फिर लास्ट 15 के बाद जो ऑड नंबर है आप देख रहे होंगे 17 ही है, तो हम 17 माइनस 17 वी गेट 0। तो तब तक करते जाएंगे जब तक कि हमें 0 ना मिल जाए। अब आप सोचेंगे स्क्वायर रूट कहाँ मिल रहा है, तो देखिए कैसे करते हैं। नंबर ऑफ स्टेप्स, कितने स्टेप्स हम कंप्लीट किए, तो ये पहला स्टेप हुआ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। जितने स्टेप्स होंगे, नंबर ऑफ स्टेप्स कितने हैं, 9 है, सो स्क्वायर रूट ऑफ 81 इज इक्वल टू 9, दिस इज योर रिजल्ट, ओके। सिमिलरली आप 100 का भी फाइंड कर सकेंगे, उस तरह से 100 का भी निकाल लेंगे। अब मैं इधर चलता हूं, 7744 एक नंबर लिखा हुआ है, या उसी को मैं ले सकता हूँ, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। और हम 7744 आपका एक नंबर है, इसे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हमें करना है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में हमें क्या करना होगा कि हम प्राइम फैक्टराइज करेंगे। प्राइम फैक्टराइज करने के बाद यहाँ जो भी प्राइम नंबर्स आएंगे तो दो दो के ग्रुप में हम उन्हें अलग करेंगे और उन्हें उनसे फिर स्क्वायर रूट निकालेंगे। देखिए कैसे करते हैं, सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं किससे डिवाइड होगा, ये 2 से डिवाइड होगा, 2, 3 या 6, फिर वहाँ 1 आएगा, 2, 2 या 16, 1, 7 एंड 2, 2 या 4। फिर 2 से डिवाइड हुआ क्या जाएगा, 2, 1 या 2, 2, 1 या 18, 2, 3 या 6, 2, 6 या 12 एंड और अगेन 2 से डिवाइड होगा, 2, 9 या 18, 2, 6 या 12 एंड 12 या 16 एंड अगेन यू डिवाइड बाई 2, वी गेट 2, 4 या 8 एंड 2 या 16, 2, 4 या 8 एंड वंस अगेन दिस इज डिवाइड बाय 2, वी गेट 2, 4, 2, अगेन वी डिवाइड इट बाय 2, वी गेट 1, 2, 1 एंड नाउ वी नो व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 11, 121, सो स्क्वायर रूट ऑफ 121 इज 11, सो इट डिवाइड बाय 11, 121 एंड 11 इज डिवाइडेड बाय 11, इट गिव्स 1। Now we can write this as in this form equals square root of 7744 in 7744 equal square root of
ये जितनी भी वैल्यू आई है पूरे को यहाँ लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 हेंस 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 11 ये इसका प्राइम फैक्टर्स आए हैं। अब इसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है, तो ये दो के ग्रुप हम रेडी कर लेते हैं। दो दो के ग्रुप रेडी करने के बाद इसे हम बाहर निकालने का जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 2 2 मल्टीप्लाई 11 एंड हम इसका प्रोडक्ट निकालेंगे 2 जा 4 जा 8 एंड 8 11 जा 88 तो 7744 का स्क्वायर रूट 88 आएगा। इस तरह से आप सक्सेसिव सबट्रैक्शन मेथड और फैक्टराइजेशन मेथड से स्क्वायर रूट। स्टूडेंट्स आफ्टर कंप्लीटिंग दोस टू क्वेश्चंस इन दिस क्वेश्चन वी नीड टू फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर व्हिच इज मल्टीप्लाई टू गेट इट टू परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 588। दिस मींस 588 में हम सबसे छोटे किस नंबर का मल्टीप्लाई कर दें यह एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। एंड वी हैव सेकंड क्वेश्चन व्हिच इज डिवाइडेड द नंबर गिव्स परफेक्ट स्क्वायर 216। दिस मींस हमें 216 को किस नंबर से हम डिवाइड कर दें यह परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। ओके तो हम दोनों ही कंडीशंस में क्या करेंगे 588 हो या फिर 216 हो दोनों का हम प्राइम फैक्टराइज फाइंड करेंगे। चलते प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 588 वी गेट 588 दिस इज डिवाइड बाय 2 2 2 जा 4 2 9 जा 18 एंड 2 4 जा 8 दिस इज अगेन डिवाइड बाय 2 2 1 जा 2 2 4 जा 8 एंड 2 7 जा 14 एंड दिस इज डिवाइड बाय 3 वी गेट 3 4 जा 12 एंड 8 9 3 9 जा 27 एंड दिस इज बोथ आर डिवाइड बाय 49 दिस इज डिवाइड बाय 7 एंड 7 इज डिवाइड बाय 7 वंस अगेन वी गेट 1। सो हमें 588 का जो प्राइम फैक्टराइज सब क्या मिला 588 इक्वल्स 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि हम किस नंबर का मल्टीप्लाई कर दें तो यह परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। हम जानते हैं कि परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए जितने भी नंबर जितने भी प्राइम फैक्टर्स आए सभी पेयर में रहें। यहाँ पर हम चेक करेंगे पेयर में कौन नहीं है। यहाँ पर 2 भी पेयर में है और 3 भी 7 भी पेयर में है लेकिन 3 पेयर में नहीं है तो हमें क्या चाहिए कि 3 पेयर में हो जाए। तो हम एक 3 का मल्टीप्लाई अगर कर दें तो ये नंबर ये 3 भी पेयर में हो जाएगा। सो अपना जो रिक्वायर्ड आंसर होगा वो होगा स्मॉलेस्ट नंबर इज 3। ओके तो हम क्या करेंगे स्टेटमेंट अपना कंप्लीट करेंगे यहां लिखेंगे हियर 3 इज नॉट इन पेयर सो रिक्वायर्ड नंबर इक्वल 3। 3 पेयर में नहीं है इसलिए रिक्वायर्ड नंबर क्या होगा 3 होगा। सिमिलरली अगर आपसे पूछा जाता है आगे कि जो भी नंबर आएगा उसका स्क्वायर रूट क्या होगा तो हम क्या करेंगे स्क्वायर रूट ऑफ नंबर इक्वल स्क्वायर रूट का सिंबल लगाएंगे जो आपका प्राइम फैक्टराइज है साथ में जो आपने 3 एक्स्ट्रा किया है वो भी लिख देंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7। ओके एंड दीज आर इन पेयर्स वी गेट 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7 2 3 जा 6 6 7 जा 42 एंड वी गेट द स्क्वायर ऑफ 42 और स्क्वायर रूट ऑफ 42 तो हमारा जो रिक्वायर्ड आंसर होगा वो 3 होगा। और अगर ये भी पूछा जाता है कि वो किस नंबर का स्क्वायर होगा तो आप इस तरह भी लास्ट में बता सकते हैं। सिमिलरली डिवीजन में भी वही काम करेंगे सेम टू सेम लेकिन यहाँ जो 3 का पेयर बन रहा था हमने 3 एक्स्ट्रा किया था यहाँ पे 3 को रिप्लेस करना होगा 3 को साइड करना होगा। हम क्या करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 216 प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 216 इक्वल 216 दिस इज डिवाइड बाय 2 वी गेट 108 दिस इज डिवाइड बाय 2 वी गेट 5 एंड 4 अगेन डिवाइड बाय 2 वी गेट 27 अगेन डिवाइड बाय दिस इज डिवाइड बाय 3 वी गेट 9
and divide by 3, 3, 3 and we get 1. So prime factor is of 2016 का prime factorization जो आया वो आया 2 multiply 2 फिर 3 3 3 means multiply 3 multiply 3 multiply 3. यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं कौन कौन से numbers pair में नहीं है. तो यहाँ 2 pair में है, 3 pair में है, 1 2 और single 3 pair में नहीं है. तो हम क्या कर सकते हैं, here 2 and or we can say that this is 2 multiply 3 are not in pair. So required number equal 6. Okay, अगर उसका square root भी निकालने के लिए बोला जाता है तो आप क्या करेंगे, square root of, फिर यहां से 2 and 3 को रिप्लेस करेंगे, 2 multiply 2 multiply 3 multiply 3 आ जाएगा 2 multiply 3 equals 6. This is your answer. Okay, 2 square is 40 meter and 96 meter. आपको बड़े एक स्क्वायर का पेरीमीटर फाइंड करना है जिसका एरिया इन दोनों स्क्वायर के एरिया के सम के इक्वल है. तो हमें एरिया कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हमें जो पेरीमीटर दिया हुआ है तो पेरीमीटर से साइड निकालनी होगी, साइड के बाद हमें एरिया निकालनी होगी, फिर एरिया का सम करना होगा एंड अगेन फिर जो भी एरिया का सम आएगा वो बड़े वाले, मीन्स ये दो छोटे स्क्वायर्स हैं और यह एक बड़ा स्क्वायर है. ओके, तो इसका आपको पेरीमीटर दिया हुआ है, इसका भी पेरीमीटर दिया हुआ है. ओके, तो आप इसके हेल्प से दोनों के साइड निकालेंगे, साइड के बाद दोनों की एरिया निकालेंगे. अब A1 अगर इसे A2 मान लिया तो A1 और A2 इसके एरिया का इक्वल है, तो आप इसके एरिया निकालेंगे और एरिया निकालने के बाद इसका फिर आप साइड निकालेंगे, साइड का जब 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका पेरीमीटर आ जाएगा. चलिए इसे वर्क करते हैं और कंप्लीट करते हैं. देखिए तो सबसे पहले हमें सिस्टमेटिकली कंप्लीट करना होगा पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर्स इक्वल्स 40 मीटर एंड 96 मीटर. सो साइड्स ऑफ स्क्वायर, दोनों की साइड्स क्या होंगी, ध्यान रखिएगा हाँ, ये सभी क्रमशः है. साइड्स ऑफ स्क्वायर्स इक्वल 40 मीटर अपॉन 4 एंड 96 अपॉन 4 मीटर रिस्पेक्टिवली इक्वल्स वी गेट 10 मीटर एंड 24 मीटर रिस्पेक्टिवली कॉमन. ओके, अब हमें दोनों की साइड मिल गई तो दोनों की हमें एरिया निकालेंगे. एरियाज ऑफ टू स्क्वायर इक्वल 100 स्क्वायर मीटर एंड 24 का स्क्वायर 576 स्क्वायर मीटर. फिर हम क्या करेंगे, ये रिलेशनशिप अप्लाई कर देंगे, एरिया ऑफ लार्जर स्क्वायर इक्वल 100 स्क्वायर मीटर प्लस 576 स्क्वायर मीटर इक्वल 676 स्क्वायर मीटर. इतना आने के बाद हम क्या करेंगे कि एरिया ऑफ लार्जर स्क्वायर मीन दिस इज साइड स्क्वायर. हम क्या करेंगे, साइड स्क्वायर इक्वल वी हैव 676 स्क्वायर मीटर एंड साइड इक्वल दिस इज स्क्वायर 26, दो साइड स्क्वायर 26 मीटर, बट वी डोंट नीड साइड, वी नीड ओनली पेरीमीटर ऑफ दैट स्क्वायर. सो पेरीमीटर ऑफ लार्जर स्क्वायर आर नो स्क्वायर इक्वल 4 मल्टीप्लाई साइड, इट मींस 4 मल्टीप्लाई 26 मीटर एंड मल्टीप्लाइड बाय 26, 4 6 जा एंड 4 2 जा 104 मीटर.
ओके दिस इज योर आंसर।